हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं वैलोरेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। मुझे कमेंट से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वैलोरेंट की बिगनर्स की टिप लेके आओ। तो आज मैं एकदम बेसिक्स आपको स्टार्ट करूंगा, वैलोरेंट कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसको खेलना कैसे है, सब कुछ सिखाऊंगा। और भाई वैलोरेंट में जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर आप फ्री फायर चला पाते हो ब्लू स्टैक में स्मूथ ग्राफिक्स के साथ, तो आप आराम से वैलोरेंट भी खेल पाओगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि वैलोरेंट डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे, वहां पे लिखना है एपिक गेम्स लॉन्चर। अगर आपको वैलोरेंट खेलना है तो आपको एपिक गेम लॉन्चर अपने में इंस्टॉल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वैलोरेंट इंस्टॉल करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, सबसे पहली लिंक यहाँ पे ओपन करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एपिक गेम्स लॉन्चर, उसको क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगा, देख सकते हो बॉटम में। अभी मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड होने देना, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी एपिक गेम्स लॉन्चर की, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है, देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको आईडी बना देनी है, उससे आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च स्टोर, उसके ऊपर लिखना है वैलोरेंट, ठीक है। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा वैलोरेंट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए कॉस्ट नहीं देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री, ठीक है। इसको क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसलिए इन लाइब्रेरी लिखा हुआ है। आपको इंस्टॉल का बटन यहाँ पे दिख जाएगा, उसको क्लिक करना है और इंस्टॉल हो जाएगा ऑलमोस्ट 20 GB के आसपास है, तो उतना ध्यान रखना आपके में स्पेस हो। एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया तो इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या फिर इसको मिनिमाइज कर सकते हो, और यहाँ पे वैलोरेंट का एक शॉर्टकट आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे, वहाँ पे उसको डबल क्लिक करना है और वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे गेम ओपन कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ, तो मेरा अपडेट इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप में अपडेट नहीं आया होगा, डायरेक्ट यहाँ पे प्ले का बटन आ जाएगा, तो यहाँ पे अपडेट होने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गेम, ठीक है। गेम की कुछ आपको सेटिंग बता देता हूँ जिससे आपको फायदा होगा। तो सबसे टॉप राइट पे यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, उसमें एक ऑप्शन है सेटिंग का, उस पे जाना है। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग, इसको पहले आपको छेड़ना नहीं है, सबसे पहले जाना है वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो रिजोल्यूशन है वो सेट कर लेना, मेरे यहाँ पे पहले से सेट है, मॉनिटर भी सेट है, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। और FPS में कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी में जाना है। और अगर आप फ्री फायर अल्ट्रा ग्राफिक्स पे खेलते थे तो इसको सबको हाई कर देना है, ठीक है। अगर फ्री फायर स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पे खेलते थे तो इसको मिड कर देना है, और अगर फ्री फायर आप लो ग्राफिक्स पे खेलते थे तो इसको लो कर देना है, ठीक है। फ्री फायर के हिसाब से ये ऑलमोस्ट सेम चलता है दोनों। और ये मैं डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा इससे क्या होता है, जब मैं FPS वाली वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं बिगनर्स गाइड वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैं डीप में नहीं घुस रहा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है वीडियो के बाजू में क्रॉस हेयर, उसके ऊपर क्लिक करना है, और जो प्राइमरी क्रॉस हेयर है ना वो एकदम आपको नॉर्मल रखना। भी वैलोरेंट में बहुत सारे क्रॉस हेयर आप बना सकते हो अपने मर्जी के, बट ये बिगनर्स गाइड है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे बेसिक वाला क्रॉस हेयर जो मैंने बनाया है वही रखो। तो उसका मैंने यहाँ पे ओपेसिटी लाइन, ओपेसिटी थिकनेस जो भी मैंने रखा है वो आप लोग कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा जाता हूँ वीडियो के अंदर, ये सेम टू सेम आप भी कर देना, ठीक है। तो आपका जो क्रॉस हेयर है वो मेरे जैसा हो जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर खेल सकते हो आप लोग। क्रॉस हेयर के बाजू में यहाँ पे कंट्रोल्स का टैब है, उसमें आपको कंट्रोल जो भी रखनी है रख सकते हो, मैंने मेरे हिसाब से कंट्रोल रखे हुए, आप भी रख सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद जनरल टैब में यहाँ पे सेंसिटिविटी मिल जाएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गेम के अंदर। मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से 0.35 रखी है। और वैलोरेंट में आपको एक टिप दे दूं कि वैलोरेंट में जितनी लो सेंसी आप रखोगे ना, उतनी अच्छी आप हेडशॉट मार पाओगे, उतनी अच्छी आप रिकॉल कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे मैंने 0.35 रखी है, आप इससे भी कम रख सकते हो, 0.2 0.3 भी रख सकते हो, ठीक है। और जो स्कोप मल्टीप्लायर है ना वो 1 रखना या फिर 0.9 रखना, ठीक है, दो में से कोई भी चल सकता है। और यहाँ पे जो रॉ इनपुट बफर है ना उसको ऑन कर देना, तो आपका जो माउस है और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। उसके अलावा जो भी यहाँ पे सेटिंग्स है उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बराबर ही अभी तो, ठीक है। उसके बाद मैं डिटेल में वीडियो इसके ऊपर ही बनाऊंगा, सेंसी के ऊपर वैलोरेंट की, उसमें आपको बताऊंगा एक एक चीज क्या होती है जिससे सेंसी में फर्क आता है। अब यहाँ पे हमारी सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब जाते हैं हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में, और वहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ गन्स और रिकॉइल के बारे में। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के लिए यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे प्रैक्टिस का लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रैक्टिस ग्राउंड उसको बोलते हैं, जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन रेंज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद एंटर रेंज का ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। अब फाइनली हम लोग आ गए हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, और यहाँ पे आपको एजेंट्स दिख रहे होंगे। इस गेम में कैरेक्टर्स को एजेंट बोला जाता है, तो यहाँ पे सोवा जो कैरेक्टर है उसको आपको पिक कर देना है, प्ले सोवा कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आपको चार आइकॉन देख रहे होंगे, वो उस कैरेक्टर की पर्टिकुलर कैरेक्टर की यूनिक एबिलिटी होती है, ठीक है। वो भी आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि एबिलिटी बहुत ही डिटेल में जाना पड़ता है समझाने के लिए। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर एजेंट की अलग अलग एबिलिटी होती है जिससे वो अटैक या फिर डिफेंड कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए शूटिंग रेंज में, यहाँ पे हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हमारी एम सेंसिटिविटी उसको बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस पे करोगे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे गन लेने के लिए आपको बी प्रेस करना है, ठीक है, आपके कीबोर्ड पे बी प्रेस करना है, तो यहाँ पे गन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी गन्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्स्ट राउंड में आपको ये साइड आर्म्स लिखा हुआ है, 5 गन्स है, उसमें से एक चूज करना रहता है। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं बोलूंगा आप फ्रेंजी ले लो, फ्रेंजी एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटोमेटिक है। तो अगर आप लेफ्ट
फायर बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक शूट होते जाएगी। दूसरी सारी जो पिस्तौल्स है ना वो मैनुअल है, मतलब एक बार फायर करोगे तो एक ही बार फायर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैप टैप करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंसी ले लो, आपको अगर लेना है तो उससे आपको स्पैम कर सकते हो, बॉडी शॉट मार सकते हो, सामने वाले बंदे को उड़ा सकते हो। अब चलो मान लो आपने फर्स्ट राउंड विन कर लिया, आपके पास पैसे आ गए, तो सेकंड राउंड में कौन सी गन लेनी है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्पेक्टर ले लो। स्पेक्टर जो है वो MP5 है, इसका नाम यहाँ पे गेम में स्पेक्टर है। उसके साथ साथ आप लोग लाइट शील्ड भी ले सकते हो, जो आर्मर है वो 400 रुपए का आता है, तो वो भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। आप अगर गेम जीतते हो फर्स्ट वाला तो आपको ये दोनों खरीदने के पैसे मिलेंगे। ये भी एक ऑटोमेटिक फायर वाली गन है, तो आप प्रेस करके रख सकते हो और स्पैम कर सकते हो बंदे पे। और ये वन ऑफ द इजिएस्ट गन है रिकॉइल के मामले में। अगर आप रिकॉइल कंट्रोल इतना नहीं जानते फिर भी आप स्पेक्टर से अच्छी खासी किल्स निकाल सकते हो, सामने वाले बंदे को मार सकते हो। अब चलो मान लो आपने सेकंड राउंड भी जीत लिया, उसके बाद आता है थर्ड राउंड, जिसमें आप लोग मेन वेलोरेंट की गन जो मेटा है वो ले सकते हो। तो वेलोरेंट में दो मेन गन्स है जो सब लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है फैंटम और वेंडल। ये आप लोग बोल सकते हैं M4 और AK-47 है ये गेम। अभी आपको ये दोनों में से कौन सी गन यूज करनी है, वेलोरेंट में ये बहुत डिबेट चलती रहती है कि फैंटम बेटर है या फिर वेंडल बेटर है। पर अगर आप बिगनर हो, आपको इतना रिकॉल कंट्रोल नहीं आता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फैंटम ले लो, ठीक है। फैंटम के दो फायदे हैं, उसका रिकॉल थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा इजीयर है कंट्रोल करने में, और उसका जो फायर रेट है ना वो ज्यादा है। तो स्टार्टिंग में आपका एम इतना अच्छा नहीं होगा, तो आप लोग हेडशॉट नहीं मार पाओगे, वन टैप नहीं मार पाओगे, आपको स्पैम मारना है। और स्पैम करने के लिए फैंटम बेटर है वेंडल से, क्योंकि उसका जो फायर रेट है वो भी ज्यादा है और उसका जो रिकॉइल है वो भी कम है, ठीक है। और आपको बीच बीच में वेंडल भी ट्राई करनी है, जिससे आपका एम बेटर होगा, क्योंकि वेंडल जो है वो हार्ड है चलाने में एज कम्पेयर टू फैंटम। अगर आपको एम बेटर करना है, वन टैप सीखना है, हेडशॉट मारना सीखना है, तो आपके लिए वेंडल बेटर है, क्योंकि जो फैंटम है ना उससे आप लोग वन टैप नहीं मार पाओगे। बहुत टाइम ऐसा होगा कि अगर आप बंदा बहुत दूर है, लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हो, तो अगर आप उसको वन टैप मारते हो, हेडशॉट मार भी लेते हो, तो उसको 140 का डैमेज पड़ेगा, ठीक है। और वेलोरेंट में जो HP होती है ना बंदे की, वो 150 होती है, तो 10 HP का फिर भी बच जाएगा। वेंडल में ऐसा नहीं है, वेंडल में 150 के अबव का डैमेज पड़ता है, तो वन टैप में बंदा मर जाता है। और वेलोरेंट में मोस्ट ऑफ द गन का रिकॉल होता है वर्टिकल में। तो वर्टिकल रिकॉल को टैकल करने के लिए आपको जो माउस है उसको नीचे खींचना है, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक में आपको मैं रिकॉल कंट्रोल नहीं कर रहा, मतलब मैं माउस नीचे नहीं खींच रहा, और दूसरे में माउस नीचे खींचूंगा, तो देखना डिफरेंस कितना होता है। मैं अभी जो कर रहा हूं, उसमें मैं माउस बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, एकदम फ्री माउस है, मैंने बिल्कुल नीचे माउस नहीं खींचा है। अभी मैं बताता हूं आपको माउस नीचे खींचने के बाद कितना कंट्रोल होता है रिकॉल। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने माउस नीचे खींच रखा है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल रिकॉल है वो नहीं हो रहा, जो हॉरिजॉन्टल रिकॉल है वही हो रहा है। हॉरिजॉन्टल रिकॉल को टैकल करने के लिए आप लोग एक ही चीज कर सकते हो, आपको जो फायरिंग है थोड़ी देर के लिए रोक देना है, जिससे आपका रिकॉल है वो रिसेट हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ बेसिक टिप्स। अभी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताया क्योंकि ये बिगनर्स गाइड थी, बट मैं बहुत सारी चीजों का डिटेल में वीडियो बना सकता हूं, जैसे एजेंट हो गया, रिकॉल हो गया, गन्स के बारे में हो गया, बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में वीडियो बना सकता हूं, अगर वो चाहिए तो मेरे को बता देना। तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेनली मुझे कमेंट्स में बताओ कि भाई और पार्ट्स चाहिए तो मैं बना दूंगा। और अगर कोई क्वेरी है वेलोरेंट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने का ट्राई करूंगा। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।